साथियों, बीता 15 दिनों में दो और बड़ी योजनाओं शुरू की गई है जिसका सीधा लाभ महिलाओं को, गांवों को होने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली किस्त के रूप में सीधी मदद 1 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुकी है। ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ या इससे कम भूमि है, उनको अगर अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है तो जल्द ही उनके पास पहुंचने वाली है। इसी प्रकार पीएम श्रमयोगी मानधन योजना से भी आप सभी जुड़ सकते हैं। एक ऐसी योजना लाई है सरकार जिससे आप जुड़ सकते हैं। बुढ़ापे में 50, 60, 65 साल की उम्र हो जाती है तो शरीर काम नहीं कर पाता है, बच्चे भी फिर बस आज हम चले जाते हैं, हम अलग रहने चले जाते हैं तो बूढ़े माँ बाप क्या करेंगे। हम एक पेंशन योजना लाए हैं, साल भर में करीब 40,000 रुपया पेंशन मिले, हर महीना 3,000 रुपये उसके खाते में आ जाए। करना क्या है, आपको 18 से 40 की उम्र के जो बहने भाई हैं, इस स्वसहाय समूह से जुड़े हुए हैं, वे इस पेंशन में जुड़ जाएं। और अगर आप 100 रुपया जमा करेंगे तो मोदी अपनी तरफ से उसमें 100 रुपया डालेगा, आप 200 रुपया जमा करेंगे तो मोदी उसमें 200 रुपया डालेगा, और जब आप 60 साल के हो जाएंगे तो आपको हर महीने 3,000-3,000 रुपया पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। जितने दिन जिएंगे आप, आपको ये मिलता जाएगा। हमारी स्वसहाय समूह की बहनें जुड़ सकती हैं, आपको उसके लिए करना भी कुछ नहीं है। आपके यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, उसमें चले जाइए, वहाँ फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपको एक बार पैसा देना होता है, बाद में आपके बैंक के खाते में से पैसे जमा होता जाएगा और आपके लिए गारंटी बन जाएगी। मैं चाहूंगा कि देश भर की स्वसहाय समूह की बहनें इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाए ताकि बुढ़ापे में भी आप सम्मान के साथ जी सके, किसी पर आश्रित रहना ना पड़े।